तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीवो V21 5G के 10 से भी अधिक कमाल के हिडन फीचर्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमें वो फीचर्स देखने के लिए ओपन करना हमें फ़ोन के सेटिंग्स को। तो सिंपली सेटिंग्स में आना और सेटिंग्स में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना और यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो सिंपली से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हैं। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो है वो है हमारा आई प्रोटेक्शन। तो आपको दिख रहा होगा, तो आई प्रोटेक्शन को ऑन करते हैं और जानते हैं कि ये फीचर क्या है। अब जैसे ही मैंने आई प्रोटेक्शन को ऑन करी दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि हमारी जो स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी मतलब येलो टाइप हो गया। देखिए, आई प्रोटेक्शन ऑफ है, अब मैंने आई प्रोटेक्शन ऑन करी, थोड़ी सी पीली हो गई। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप लोग आई प्रोटेक्शन को ऑन करके फ़ोन को यूज़ करोगे तो क्या हो कि आपके आई पे जो फ़ोन से हार्मफुल रे निकलती है, हार्मफुल इफेक्ट निकलते हैं, वो आपके आईज़ को ख़राब नहीं करेगी। यानी कि ये एक तरह से आपका सेफ्टी फीचर है। तो बहुत अच्छा फीचर है, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोग के लिए। अब इसी में हमारा दूसरा दोस्तों डार्क थीम। अब डार्क थीम जैसे ही ऑन करेंगे देखिए एक मैजिक होगा। तो डार्क थीम मैंने ऑन करी, अब हमारी पूरी स्क्रीन जो है वो हो गई ब्लैक। अब सिर्फ जो टाइप लेटर है वो वाइट है, बाकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गई। अब इसका यूजेज 50% लोगों को पसंद आता है, 50% लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत लोगों को वाइट स्क्रीन पसंद है, बहुत लोगों को ब्लैक स्क्रीन पसंद है। जिन्हें ब्लैक अच्छा लगेगा वो डार्क थीम को ऑन कर लीजिए, जिन्हें वाइट अच्छा लगता है वो यहाँ से डार्क थीम को ऑन कर ऑफ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सेकेंड फीचर। अब चलते हैं अपने थर्ड फीचर के लिए। थर्ड फीचर के लिए बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डायनेमिक इफेक्ट्स। तो डायनेमिक इफेक्ट्स में हम लोग आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एम्बिशन लाइट इफेक्ट, तो चलिए इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और दूसरा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। तो हम लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से ऑन करते हैं और जानते हैं क्या। तो हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जैसे ही ऑन करी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे आया तो हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हो, तो लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, यानी कि आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है दोस्तों, तो उसकी आप लोग जो है वो एज लाइट वो किस कलर के आप लोग यहाँ पे रखना चाहते हो वही आपको शो होगा यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे 5-6 कलर दिए गए हैं, उस टाइप के मतलब जो भी कलर सेलेक्ट करोगे उस टाइप की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपके फ़ोन पे, तो उस टाइप की जो है वो लाइट आपके चारों साइड से जो है वो बनेगी। और यहाँ पे आप लोग कस्टम भी है, यहाँ पे कलर पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे कस्टम करके जो भी कलर आपका मन हो वो कलर आप लोग यहाँ से वो रख सकते हो, कंफर्म कर दोगे, उसके बाद जो है ये जो फीचर है वो हो जाएगी डन। अप्लाई मैंने कर दी, अब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो क्या होगा कि वो लाइट बनेगा। अब इसी में चलते हैं अपना दूसरा फीचर को। तो दूसरा फीचर के लिए ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे क्या देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे फीचर एक निकल के आ गया इनकमिंग कॉल्स। तो इनकमिंग कॉल को हम लोग यहाँ पे ऑन करते हैं। अब यहाँ पे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल, तो दोस्तों वहाँ पे हमारी जैसी मैसेज की लाइट थी उसी तरह क्या होगा कि कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा आपके फ़ोन पे, तो क्या होगा कि इस तरह के जो है जिस भी कलर का आप सिलेक्ट करके रखोगे उस कलर का जो है वो एज बनेगा आपके फ़ोन पे और फ़ोन आपका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो। अब चलिए इसमें बैक आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर हमारा यहाँ पे दोस्तों अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी कस्टम है, यानी कि कोई आम लोग फ़ोन को लॉक करके बैक अनलॉक करेंगे तो कुछ देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉक करी, अब इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप की आएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको करके अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप की जो है, और हम लोग इसको करके रखेंगे तो जैसे ही हम लोग फ़ोन को लॉक से ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन आएगी। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो सिंपली से फ़ोन को ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने के बाद यहाँ से करेंगे तो कुछ इस टाइप की आएगी। अब लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको अगर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं तो अब देखिए दोस्तों, अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया, तो अब किस टाइप की आएगी। तो मैंने यार फ़ोन को लॉक करी, अब ऑन करी, अब देखिए दोस्तों किस टाइप की हमारी जो है ऐप होम स्क्रीन पे वो आई है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा फीचर है ये। अब इसे हमारा दोस्तों फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, चलिए ये देख लेते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में देख के समझ ही गए होंगे यहाँ पे ये क्या फीचर है। अब यहाँ पे ये है कि आपके फिंगरप्रिंट की जो आइकन है वो किस डिज़ाइन की शो होगी। अगर यहाँ पे ऐसे रखोगे तो कुछ इस टाइप की शो होगी, यहाँ पे ऐसे होगी, ऐसे होगी, मतलब यहाँ पे भी 6-7 आपको दिए गए होंगे कि आपको जो भी इसमें अच्छा लगे वो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। अप्लाई कर दोगे तो यहाँ से वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब है कि फिंगरप्रिंट पैटर्न आप यहाँ पे जो भी लॉक लगाना चाहते हो वो आप लगाने के बाद ही यहाँ पे जो है वो इनेबल होगी। अब इसी में हमारा फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन
एनिमेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट जब फिंगर पे रखोगे तो वो किस टाइप की जो है वो शेप लेगी, यानी कि जिस भी टाइप के यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रखोगे उस टाइप की शेप लेगी। तो मुझे दोस्तों ये वाला जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो मैं यहाँ इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो वो कुछ इस टाइप की जो है हमारी, मतलब जैसे मैंने अपनी फिंगरप्रिंट आइकन पे ऐसे रखूँगा तो वो कुछ इस टाइप का ये बनेगी। अब चलिए इसी में हमारे दोस्तों फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, यानी कि आपकी फेस लॉक जो है वो किस टाइप से खुलेगी। नन रखोगे तो कुछ इस टाइप की खुलेगी, यहाँ पे ये वाली रखोगे तो कुछ ऐसे खुलेगी, ये वाली रखोगे तो एक फेस आएगा बच्चा का, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी 6-7 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है हमारे दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन, मतलब यहाँ पे आपकी फ़ोन जो है वो चार्ज होगी तो आपके किस टाइप की एनिमेशन जो बनेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ये करके देखता हूँ और ये, तो दोस्तों इसमें भी और सारे दिए गए हैं, वो ये तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, ये और ये। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाली जो है वो चार्ज होते समय हमारी जो है वो शो होगी। अब इसमें USB इंटरसेक्टेड एनिमेशन, यानी कि आप लोग अपने फ़ोन में OTG लगाओगे तो किस टाइप की जो है वो एनिमेशन बनेगी। मतलब बहुत ज़्यादा फीचर दिया हुआ है दोस्तों आपके Vivo V21 में, तो ये भी काफ़ी कमाल का, इसमें आपको जो अच्छा लगे वो करके रख सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, यानी कि आपकी फ़ोन जो है वो ऑन ऑफ होगी तो वो किस टाइप की एनिमेशन बनेगी, यहाँ पे वो भी दिया गया है। नन में कुछ इस टाइप की बनेगी, ये इसमें कुछ इस टाइप की आएगी, इसमें कुछ इस टाइप की आएगी, तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो काफ़ी कमाल का ये फीचर है दोस्तों। अब चलते हैं इसी में अब नेक्स्ट फीचर के लिए बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक फीचर दिखा हुआ दोस्तों सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में आते हैं। अब सिक्योरिटी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक फीचर आपको दिख रहा होगा SOS कॉल। तो SOS कॉल क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। अब SOS कॉल ये है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ से SOS कॉल को इनेबल करके रखोगे तो क्या कोई भी इमरजेंसी में आप लोग पावर बटन को 3 बार प्रेस करोगे तो 112 पे जो है वो आपकी कॉल लग जाएगी, यानी कि इमरजेंसी पे फ़ोन लग जाएगी, और आपको वहाँ पर जो भी दिक्कत हो वहाँ पर इमरजेंसी में आप बता सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर दोस्तों हमारा यहाँ पे है अल्ट्रा गेम मोड। अब ये जो फीचर है ना दोस्तों वो काफ़ी कमाल का फीचर है, मैंने बहुत सारे फ़ोन में देखे है जिसमें गेम मोड दिया हुआ है, लेकिन आपको आपके Vivo V21 में जो गेम मोड फीचर है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे इसमें 4D गेम वाइब्रेशन दिया हुआ है, गेम साउंड प्ले क्वालिटी दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग जो अपनी वॉइस को भी चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि होता है कि आप कुछ बच्चे की आवाज़ निकाल सकते हो, कुछ ओल्ड मैन की आवाज़ निकाल सकते हो, कुछ मैजिशियन की आवाज़ निकाल सकते हो, अलग अलग टाइप की जो है वो गेम के अंदर जो भी वॉइस वाली गेम होती है उसमें आप लोग जो है वो साउंड चेंज कर सकते हो, प्लस गेम पिक्चर इन पिक्चर, यानी कि आप लोग जो है वो गेम करते वक्त भी दूसरा चीज़ मतलब कर सकते हो, यानी कि मल्टीटास्क कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली से कुछ नहीं करना, ऐड करना है, और जो भी गेम यहाँ पे आप लोग जो है वो ऐड करोगे वो यहाँ पे आपकी गेम मोड में जाके वो खुलेगी। अब इसी में हमारे दोस्तों थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी। इसमें है हमारा एक फीचर जो कि बहुत खास फीचर, वो हमारा स्मार्ट मोशन। तो स्मार्ट मोशन को ऑन करते हैं। अब इसमें हमारा दोस्तों स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन। अब टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन क्या है दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें रेस टू वेक, और इसको हम लोग ऑन करके रखेंगे तो क्या हुआ कि दोस्तों कि हम लोग फ़ोन, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ़ोन जो है वो टेबल पे रख दी, ठीक है। अब अदर फ़ोन में क्या होता है कि अगर हम लोग इसको उठाएंगे तो क्या होगा कि फ़ोन जो है लाइट नहीं जलेगी, लेकिन इसमें मैंने जैसे ही फ़ोन को हाथ में उठाई बिना बटन के जो हमारी स्क्रीन की जो लाइट है वो ऑन हो गई, तो इसी को बोलते हैं रेस टू वेक। तो काफ़ी कमाल का ये फीचर। अब है डबल टैप टू वेक, यानी कि अगर मैं इसको ऑन करके रखूँगा, ठीक है, अब मैंने स्क्रीन पे डबल टैप करी तो हमारी स्क्रीन पे जो है वो लाइट आ गई। फिर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, यानी कि मैं होम पे हूँ और यहाँ पे डबल टैप करी तो हमारी स्क्रीन जो है वो लॉक हो गई। तो ये फीचर जो है काफ़ी यूजफुल फीचर है, बहुत सारे लोग जो है इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। अब आते हैं बैक, और यहाँ पर हमारा दूसरा स्मार्ट कॉल। स्मार्ट कॉल को हम लोग देख लेते हैं कि ये फीचर क्या है। तो स्मार्ट कॉल में ये है कि अगर आप लोग स्मार्ट कॉल को इनेबल करते हो, ठीक है, अब स्मार्ट आंसर, स्मार्ट स्विच और स्मार्ट म्यूट, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब स्मार्ट आंसर क्या है दोस्तों, स्मार्ट आंसर ये है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोन आएगा, फ़ोन को जैसे ही आप लोग मतलब अपने कान के पास ले जाओगे तो फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक से रिसीव हो जाएगी। स्मार्ट स्विच क्या है, अब स्मार्ट स्विच ये है कि आप लोग अपने फ़ोन मतलब जो है
वो मतलब कान पे लगा किसी से बात कर रहे हो और फ़ोन को जैसे ही कान से हटाओगे फ़ोन जो है स्पीकर मोड पे चली जाएगी। अब लास्ट स्मार्ट म्यूट, स्मार्ट म्यूट ये है कि कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है आपने एक बार पावर बटन या फिर वॉल्यूम माइनस बटन दबा दिया या फिर स्क्रीन को ऐसे कवर कर दिया तो फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक से म्यूट हो जाएगी, यानी कि साइलेंट हो जाएगी, वाइब्रेशन भी नहीं रहेगी। और स्मार्ट कॉल पर आप लोग डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं डिटेल्स में स्मार्ट कॉल पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। अब चलिए इसमें हमारा सेफ टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, अब इसको ऑन करते हैं। अब क्या है ये फीचर लोग देख लेते हैं। फ़ोन मेरी लॉक है, फ़ोन की स्क्रीन ऑन है, अब मैं फ़ोन को चेक करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने चेक करी हमारी फ्लैश लाइट जो है वो जल गई और मैं एक बार पावर बटन दबाऊँगा और जो है वो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। ये काफ़ी कमाल का फीचर है सेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर इसमें दोस्तों हमारा दिया गया इजी टच। अब इजी टच क्या है, इजी टच को देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही इनेबल करी हमारी एक यहाँ पे जो है ये एक आइकन बन के आ गई। अब ये आइकन क्या है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अब आइकन ये है कि यहाँ पे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट में जो है वो कोई भी वर्क कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि स्क्रीन इफेक्ट्स है, कैलकुलेटर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, फ्लैश लाइट है, सर्च है, कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग इजी टच को ऑन करके यहाँ पे शॉर्टकट में जो है वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अब दोस्तों यही वो 10 से भी अधिक फीचर है, मुझे लगता है मैंने 15 से भी ज़्यादा फीचर्स आपको वीवो V21 5G का बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको जिस भी फीचर पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में कमेंट करें कि मुझे इस फीचर पे जो है वो डिटेल्स में वीडियो आप बना के दीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए उस फीचर पे डिटेल्स में वीडियो बना के दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे फॉलो कर ले और जो भी पूछना है मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।